हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गो ऑनलाइन। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करा था और पर्सनली भी बहुत सारे लोगों ने जो है इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करने की कोशिश करी है और कह रहे थे कि सर पेटीएम पेमेंट बैंक का जो वीजा का डेबिट कार्ड है उसमें क्या कुछ पेटीएम पेमेंट बैंक ने लिमिट सेट करके रखी हुई है, इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बना के हमें दें। वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और मैं आपको इस वीडियो के जरिए भरोसा दिलाता हूँ कि आपको इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि इस कार्ड के लिए यानी कि पेटीएम पेमेंट के वीजा के डेबिट कार्ड में आपको क्या कुछ लिमिट मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं हर बार आपकी ही रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं गाइस, मैं अपनी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत देना नहीं चाहता हूं, यानी कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जो कुछ सही मेंशन करी है वही चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि विद प्रूफ इसमें क्या कुछ मेंशन किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि www.paytm.com पे मैंने इंटर कर लिया है। इस पे इंटर करने के बाद इन्होंने यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है मेंशन करके रखी हुई है। आई थिंक गाइस आपको सही से नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.paytm.com पे विजिट किया, इसके सारे यानी कि इस डेबिट कार्ड के सारे लिमिट्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे शो कर दिया है। एक एक करके मैं जो है आपको इसकी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस अगर हम बात करें इसकी पहली ट्रांजेक्शन लिमिट की, यानी कि अगर आप इस डेबिट कार्ड से यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक का वीजा का डेबिट कार्ड से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो गाइस इसमें जो है आपको लिमिट मिलने वाली है वो 2,00,000 रुपए तक मिलने वाली है। यानी कि गाइस अगर आप इस डेबिट कार्ड का यूज ऑनलाइन परचेज करने के लिए करते हो तो गाइस इस डेबिट कार्ड से आप 2,00,000 रुपए तक का खरीदारी इजिली कर सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें सेकंड ट्रांजेक्शन लिमिट की यानी कि पीओएस लिमिट की, तो गाइस इसमें भी आपको जो है 2,00,000 रुपए तक का लिमिट मिलने वाला है। लेकिन गाइस वही अगर हम बात करें इसकी तीसरी कार्ड लिमिट की, तो गाइस यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है टैप एंड पे डेली ट्रांजेक्शंस लिमिट की। तो गाइस इन्होंने ये लिमिट मेंशन कर रखा है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए, यानी कि अगर आप इसके टैप टू पे का ऑप्शंस को यूज करते हो और आप इस ऑप्शंस के जरिए ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हो तो गाइस आपको जो है डेली 10,000 रुपए तक का लिमिट मिल जाता है। इसके अलावा गाइस एक और लिमिट रह जाती है वो है एटीएम विड्रॉल की, यानी कि इस डेबिट कार्ड से आप पर डे आप कितना विड्रॉल कर सकते हो। तो गाइस अगर आप इस डेबिट कार्ड का यूज एटीएम विड्रॉल करने के लिए करते हो तो गाइस आप पर डे करीबन 25,000 रुपए आप विड्रॉल कर सकते हो इजिली। तो गाइस ये थी जानकारी पेटीएम पेमेंट बैंक का वीजा के डेबिट कार्ड की लिमिट के बारे में। इसके अलावा कुछ और भी सवाल हो तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, आपके हर एक कमेंट का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं हर बार आपके ही रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।